हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पर बात करूँगा किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। फिलहाल क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बाय द डिप का पैटर्न दिखाया है। जो क्लोजिंग थी ईयर एंड की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। जो ईयर एंड की एक सेलिंग होती है उसको एब्जॉर्ब करते हुए, क्योंकि जैसा मैंने कहा था लास्ट वीडियो में भी कि सेलिंग तो आएगी लेकिन वो बाय करवा लिया जाएगा, क्योंकि जो FIIs है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं और वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में कहा भी था कम से कम 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट FIIs को शॉर्ट कवर करने पड़ेंगे। तो आपको पता है 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो थे उन्होंने पुट कैरी कर रखे थे, अभी सिर्फ 2.5 लाख बचे हैं। मतलब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी वो कवर कर चुके हैं। तो ये दिखाता है कि FIIs ने अपनी शॉर्ट की पोजीशन काफ़ी कवर की है। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या लगातार हम यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं। FIIs ने अपनी जो फ्यूचर की शॉर्ट है उसको ज़्यादा कवर नहीं किया। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में, मतलब अभी कहें तो ये टेम्पररी बाउंस जो है वो आ रहा है, जब तक फ्यूचर में शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी तब तक आपको एक रियल और स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बाउंस नहीं दिखेगा। तो मेरा मानना ये है कि जो भी बाउंस अभी आ रहा है ये एक कॉशियस बाउंस है। आपको इस बाउंस में निकलने की अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना चाहिए, ना कि यहाँ से बहुत, मतलब डिप में बाय करो आप चलेगा, लेकिन गैप अप होने के बाद बहुत ज़्यादा चेज़ मत करो। ये फिलहाल मार्केट बता रहा है FIIs की पोजीशन को देखते हुए। राइट नाउ देखेंगे तो जो अपनी करंट पोजीशन है, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो 40,600 पे आपका बैंक निफ्टी है। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था तो 40,500 का मैंने लिखा भी था और हम ऑलरेडी इसके ऊपर आ चुके हैं। अगला जो टारगेट है 40,950 और 41,200 जो मुझे दिखता है इमीडिएटली, जहाँ पे हम आ सकते हैं। मुझे लगता है मंडे को फिर से एक अच्छा बाउंस आना चाहिए ओपनिंग के बाद भी। अगर ओपनिंग बहुत ज़्यादा गैप अप होती है तो आई डोंट नो कितनी अपॉर्चुनिटी बचेगी, लेकिन अगर ठीक ठाक डिसेंट वाला फ्लैट अगर ओपनिंग हो जाए तो आप उसको ऊपर की तरफ मूव होता हुआ देखोगे। लेकिन अगर गैप अप ही हो जाता है बहुत बड़ा तो फिर ज़्यादा आपका रिवॉर्ड नहीं बचता। ऐसा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत तो मिलेगा लेकिन ज़्यादा रिवॉर्ड की उम्मीद ना करें अगर चेस करते हैं गैप अप के बाद। तो 40,950 41,200 ये लेवल है। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 17,360 पे क्लोजिंग है। मेरा मानना है कि 485.50 तक के लेवल निफ्टी में आ सकते हैं। दोनों इंडेक्स ने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जो था फ्राइडे का जो ओपनिंग एरिया था, जो ओपनिंग एरिया था वो एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही था। सोचिए आप कितनी एक्यूरेटली ये लोग बाउंस कराए थे। तो सारा का सारा चीज़ें यही पॉइंट आउट कर रहा है कि कोई भी डिप मिलता है अगर मॉर्निंग में वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर फ्लैट खुलते हैं तो भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाएगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो बेनिफिट कर रही हैं। पहला है विक्स, बहुत तेज़ी से नीचे आया है, 12.9 के आसपास है। विक्स यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस नहीं है, तो विक्स आपको फ्लैट दिख सकता है, थोड़ा बहुत रेड ग्रीन में फ्लक्चुएट करता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ पे देखें तो USD INR भी 82.2 के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा वरी नहीं है। अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस 2330 पे, मेरा मानना है 2360 2380 की तरफ जा सकता है। अगर इन्फोसिस की बात करें तो 1427 पे है, मेरा मानना है कि ये एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज पे क्लोजिंग किया है, तो ये 1465 की तरफ जा सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन रहता है 1420 के ऊपर तो 1465 तक जा सकता है। ICICI बैंक 895 तक अपसाइड खुला हुआ है, लेकिन इमीडिएटली हो सकता है मंडे को ICICI परफॉर्म ना करे क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस पे क्लोज दिया है। तो ICICI बैंक एक कैंडिडेट ऐसा है जिसको अभी चेज नहीं करना है, लेकिन अगर डिप मिलता है 1-1.5% का तब ये एक दोबारा अगले लेवल का जो बाउंस है वो आएगा। उसके अलावा एक्सिस बैंक यहाँ से 870 तक जा सकता है। SBI की बात करें तो 530-532 तक जा सकता है, 523 का लेवल है। और आपका जो इंडसइंड बैंक है 1070 के पास क्लोजिंग है, ये 1105 तक जा सकता है। तो यहाँ पे 2-3% का अपसाइड दिखता है। तो ओवरऑल मार्केट में जो डिप है वो बाय होगी, फ्लैट खुलेगा तो एक बाउंस की उम्मीद है। गैप अप हो तो बहुत ज़्यादा चेज़ करने की कोशिश ना करें। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट एक अच्छे अपसाइड में है, थोड़े बहुत और अपसाइड आपको मंडे ट्यूसडे में दिख सकते हैं। 7 तारीख को आपको डेटा, US का इम्पोर्टेड डेटा आना शुरू हो जाएगा, तब आपको थोड़ा सतर्क रहना है। तो ये ओवरऑल मार्केट की समरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शॉर्ट में मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। आई होप आपको ट्रेड में अच्छा पैसा बने इस नए फाइनेंशियल ईयर में। मेरा फाइनेंशियल ईयर काफ़ी अच्छा रहा है, मार्च का महीना भी बहुत अच्छा रहा है। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या क्या सीखा इस साल में, आपके क्या क्या चैलेंजेस रहे और आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको किस सेंस में मदद करूं, किस एरिया में ज़्यादा फोकस करूं इस साल। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इस वीडियो को सब तक पहुँचाइएगा। शॉर्ट स्वीट क्रिस्प एनालिसिस लेकर आपके लिए आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। टेक केयर।